शिक्षा समाज भविष्य की ओर संस्था द्वारा दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के सहयोग से राजधानी के विकासपुरी इलाके के जुगी बस्ती के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन मदर्स माउंट ग्लोबल स्कूल विकासपुरी में किया गया। आयोजन के चीफ गेस्ट CRPF कमांडेंट RK गुप्ता रहे। पेश है वन न्यूज की खास रिपोर्ट। वो कहते हैं ना कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए संस्था के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने इस मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया। कैंप की संयोजक ऋतु शर्मा रही। कैंप में आए मरीजों ने BP, ब्लड शुगर, हार्ट, थायराइड, आंखें, एलर्जी व बुखार संबंधी बहुत सी जांचें कराई, जिसके बाद उन्हें बीमारी के अनुसार निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान संस्था के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था का सिर्फ एक ही प्रयास है कि जितना हो सके कोई भी गरीब वित्तीय अभाव के कारण अपने स्वास्थ्य शिक्षा से समझौता ना करे। गरीब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारी संस्था लगातार काम करती रही है और आगे भी करेगी। हरीश जी, जो आपने आज जो हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, तो आप अपनी संस्था का नाम बताएं और इस हेल्थ कैंप के आयोजन का आपके मन में विचार कैसे आया, थोड़ा सा इस विषय में। इस संस्था का नाम है एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर। हमारा जो संगठन है वो हेल्थ को लेकर के काम करता रहता है। हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं अच्छे अच्छे कैंप्स, जो स्लम एरिया है जहाँ पे लोग जा नहीं पाते, अपना इलाज नहीं करवा पाते प्रॉपर तरीके से, आँखों को चेक नहीं करवा पाते या कोई भी बीमारी है, तो उनके लिए हम ये सुविधा उनके एरिया में लगा करके कैंप उनको ये बेनिफिट पहुँचाते हैं ताकि हमारा भारतवर्ष स्वस्थ रहे, कोई बंदा बीमार ना रहे। हमारी यही मुहिम है और हम पूरी दिल्ली में कैंप ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। हमारी जो संस्था है ये गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन का भी काम करती है, महिलाओं के एजुकेशन के लिए भी हम लोग काम करते हैं। उस पूरी संगठन से 25 से 30 हज़ार लोग पूरी दिल्ली से हमारे जुड़े हुए हैं और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो ऐसे हम लोग कैंप लगाते रहेंगे और लोगों को स्वस्थ बनाते रहेंगे। आज झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र से लगभग कितने लोग यहाँ अपना जांच करवाने आ चुके हैं? आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा और इसमें आप कम से कम 650-700 के आसपास अभी लोग आ चुके हैं और अभी आ ही रहे हैं। जो सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हेल्थ चेकअप कैंप है और ये लोगों का बेनिफिट पहुँचता रहेगा और उनको बेनिफिट मिलता रहेगा। ये जो नरेंद्र मोदी जी का स्वस्थ भारत मिशन है, क्या ये उससे प्रेरित है कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे प्रेरित है क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी भी एक यही एक मुहिम है कि एक एक आदमी, एक एक नागरिक स्वस्थ रहे और स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने चलाया हुआ है, स्वस्थता रहेगा तो बंदा स्वस्थ भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो आगे ऐसे बढ़ते रहें, पूरा युवा, पूरी पब्लिक, महिलाएं, बच्चे सब उनके साथ हैं। भारत माता की जय। जो जांच कैंप है इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो ये जन सेवा का भाव आपने कहाँ से आया? मैं इस NGO से लगभग 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ झुग्गी जैसे स्लम एरिया है यहाँ का, उनके लोगों के हालात देखते हुए, वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं गरीबी को देखते हुए, इसीलिए हमने यहाँ एक निःशुल्क कैंप लगाया है। आगे भी लगाते रहते हैं, शिक्षा को भी लेके काम करते रहते हैं। हमारी NGO है एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर। तो ये भाव आप में कहाँ से है, कैसे आपके मन में विचार आया? इस उम्र में लोग पैसा कमाने की तरफ दौड़ते हैं, आप NGO के लिए समय दे रहे हैं, ऐसा विचार कैसे आया? ऐसा विचार ऐसे आया जब लोगों को देखते हैं, अंदरूनी भाव लगा लो या कुछ भी लगा लो, भाई एक अजीब सा फील होता है गरीब लोगों को देख के, इसीलिए। पिताजी, आप लंबे समय से इस NGO से जुड़े हुए हैं और मैं लगातार सभी कार्यक्रम में देख रहा हूँ आपकी सहभागिता है। महिला होने के नाते काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएँ आपके इस कैंप में आ रखी हैं, सर बस यही विचार है। यहाँ देखा हमने कि भाई यहाँ लोग नहीं जा पाते, उन पर इतने पैसे नहीं है कि वो अपने इलाज करा पाएँ, तो हमने सोचा चलो एक छोटा सा हम अपने NGO में काम तो कराते रहते हैं कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी में करवाएं तो इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो हमने बस यही सोचा कि जितने गरीब लोग बच्चे हैं तो उनको अच्छे हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे तो हमारी दुआ ही मिलेंगी, और तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए आपने महिलाओं में जाकर कितने दिन प्रयास किया कि क्योंकि झुग्गी झोपड़ी महिलाओं को कम से कम हमें पिछले 1 महीने से हमें रोज़ सुबह शाम उन लोगों के पास जाना पड़ता है कि भाई आप आइए, क्योंकि ये लोग अपनी बीमारी बताना भी नहीं चाहते, अपने जहाँ जिस बीमारी से ग्रस्त हैं तो सोचते हैं हम यहीं पड़े रहें। तो हमने गया, उन्हें बताया कि आप जाओ आपके लिए, हम बोले आगे कैसे करेंगे, बोले ठीक है आप अभी तो आप चेक कराइए फिर आगे हम देखते हैं। हाँ जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे अपनी अपनी बीमारियों को ना छुपाएं, छोटी हो या बड़ी बीमारी हो जो भी है, आप खुल के सामने आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे।